मॉर्निंग किड्स, आज हम लोग यूपीएससी का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेसन 3 तक कवर कर लिया है। लेसन 3 तक क्या था हमारा, इसमें नंबर लेसन है, ऑनली कॉम्प्लीट है 1 to 100। ठीक है, लेसन 4 जो हमारा है नंबर है 1 to 10 लिखना है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको सिर्फ आगे का ही पढ़ा है, पीछे का टेस्ट के तौर पर नहीं ले पा रहे क्योंकि आप लोग स्कूल में है नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग हर कभी से आगे बढ़ती जाए और पीछे का याद कुछ नहीं करे। स्पेशली पेरेंट्स, आप लोग प्लीज आप लोग प्रीवियस बच्चों को पढ़ाइएगा, कुछ बीच में आप इसको रोक के, हम तो आगे पढ़ा रहे हैं, आपको तो वीडियो देखना है, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस का जो टेस्ट बच्चों से लेते रहेगा ताकि वो पीछे का रिमाइंड कर सके, उनको याद रख सके। ठीक है, हम जो लोग नंबर से 1 to 10 पढ़ा रहे हैं, वैसे तो अभी बच्चे जो यूपीजी में अभी गए हैं 1 से 100 तक उनको नंबर से मानते हैं, लेकिन 1 to 10 अकॉर्डिंग टू दिस बुक 1 to 10 हम पढ़ेंगे। काउंट द फिंगर, यहाँ पे फिंगर्स दिए गए हैं, फिंगर को काउंट करना है, ट्रेस देयर नंबर, उसके बाद इन नंबर्स को ट्रेस करना है, बस पेंसिल चलानी है, इसलिए अपने आप नहीं लिखना है। नंबर्स एंड नेम ऑल्सो काउंट द ऑब्जेक्ट इवन इफ इज सब्जेक्ट। इससे मतलब यहाँ पर फिंगर एक दिया गया है ना, आपको फिंगर एक दिया है, नंबर एक दिया गया, नंबर्स नेम जो हमारे नंबर नेम से वो 1 दिया गया, और ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे जो दिए कैट है उसका भी काउंटिंग कितना है 1 दिया गया। यहाँ पे 2 फिंगर दिखा रखे हैं, नंबर 2 दिया गया आपको ट्रेस करना है, TW2 दिखा गया है और 2 यहाँ पे रेड है, यहाँ तक आपको 10 तक दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या करनी है आपको, देखो काउंट ऑब्जेक्ट, राइट द नंबर एंड देयर नेम्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपना सेंस लगाना है, आपको ये ऑब्जेक्ट काउंटिंग करना है, जैसे कि ये बैलून है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, यहाँ पे आप नंबर लिखोगे इसका कितना 9, और इसके बाद इसका नेम लिखोगे, नंबर नेम लिखोगे, तो क्या लिखोगे ANINE 9। वैसे यहाँ पे पूरे दिए गए हैं, आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले